हाय स्टूडेंट, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून। एक बार फिर इस जो ऑनलाइन सीरीज़ चल रही है आपकी इंग्लिश कंपलसरी की, ठीक है, इसमें एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा, ठीक है, जो चैप्टर पढ़ रहे थे, जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम एडवर्टाइजमेंट, उसको आगे फिर बढ़ाते हैं। और हम जो एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे थे, उस एडवर्टाइजमेंट में हमने मैट्रिमोनियल पढ़ लिया था। कौन सा पढ़ लिया था? मैट्रिमोनियल पढ़ लिया था। मैट्रिमोनियल के बाद में हमने एकोमोडेशन पढ़ा था। एकोमोडेशन में दो पढ़े थे हमने, किराए पर देना और किराए पर लेना। आज जो बात करेंगे हम, वो आपका नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है, और उस नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट का नाम है सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज का अर्थ होता है खरीदना और बेचना। सेल एंड परचेज, तो सेल एंड परचेज में आपको कोई वस्तु खरीदनी है या आपको कोई वस्तु अपनी बेचनी है, वो आपका सेल एंड परचेज में एडवर्टाइजमेंट आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सेल की। सेल का अर्थ होता है खरीदना। बेटे एक बात ध्यान रखना, किसी सेल सब शब्द है, ये नाउन के रूप में आता है और इसकी वर्ब होती है सेल, ऐसी डबल है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन में आपको ये शब्द मिलेगा, अगर वर्ब के रूप में सेल होगा तो क्वेश्चन में क्या मिलेगा? ऐसी डबल एल मिलेगा आपको। लेकिन आपको ध्यान रखना कि क्या सेल ही है, क्योंकि सेल नाउन है और ये सेल क्या आपकी वर्ब है। स्पेलिंग का अंतर दोनों में, अंडरस्टैंड। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम सेल की, कि यदि आपको कोई चीज़ बेचनी है तो देखो, सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। बॉक्स में सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग के बाद हेडिंग में लिखेंगे जैसे ए वस्तु का नाम, जो वस्तु आपको बेचनी है, ठीक है, फॉर सेल। क्या लिखेंगे? वस्तु का नाम और वस्तु के नाम के बाद में फॉर सेल, या फिर अवेलेबल, वस्तु का नाम, जो वस्तु आपको बेचनी है, ठीक है, वस्तु का नाम। इसके बाद में उस वस्तु का डिस्क्रिप्शन, जो वस्तु आप बेच रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन देना पूरा, उसमें कौन कौन सी आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ बतानी है आपको वस्तु में, ठीक है। इसके अलावा आप कंडीशन बताओगे वस्तु की, कि वस्तु की स्थिति कैसी है, आगे बस समझ में। इसके बाद में कंडीशन के बाद में, ठीक है, और जो डिटेल्स आप देना चाहें इसके अलावा, वो डिटेल्स आप दे सकते हैं जानकारी और वस्तु के बारे में। जैसे आपको कार बेचनी है तो कार में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, उसका नाम, कौन सा ब्रांड नेम है, कौन सी कंपनी का नाम है, कौन सा मॉडल है, ठीक है, कैसे कलर की है, आगे सर में फैसिलिटी है उसमें क्या क्या सुविधाएँ हैं कार में। इसके बाद में कंडीशन, कार की कंडीशन कैसी है, टायर कैसे हैं, इंजन की कंडीशन क्या है, बॉडी की कंडीशन क्या है, इसका डिटेल्स। इसके अलावा और कोई जानकारी जैसे आरसी कहाँ के, कितनी किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, ठीक है, कोई स्क्रैच नहीं है, ऐसे में बीमा है कि नहीं है, आरसी वगैरह जो भी है, ठीक है, फाइनेंस वगैरह है नहीं, ये सब क्या होंगे आपकी डिटेल्स में आती है। इसके बाद में आप लिखोगे प्राइस, क्या लिखोगे? प्राइस। और प्राइस में आपको अपनी गाड़ी है या अपनी वस्तु है उसका प्राइस कोई भी दिखा सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं। और शब्द लिखना है बेटा आपको ऑब्लिक ला के नेगोशिएबल, शब्द कौन सा लगना है आपको? नेगोशिएबल। नीचे इंटरेस्टेड पार्टी, क्या लिखना है? इंटरेस्टेड पार्टी में कॉन्टैक्ट टू, और इसके बाद में नाम अपना, आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, ये आपको सेल में लिखना है, अंडरस्टैंड। सबसे पहले हेडिंग आएगी, हेडिंग में क्या आएगा? ए वस्तु का नाम, जो वस्तु आपकी, ठीक है, एक नहीं है, दो चार हैं, ठीक है, तो ए लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर डायरेक्ट क्या लिखोगे? वस्तु का नाम, जो भी वस्तु है, और फिर क्या लिखोगे? सेल, फॉर सेल। इसके बाद अवेलेबल, वस्तु का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन करना है, फैसिलिटीज बतानी है वस्तु की, कंडीशन बतानी है, डिटेल्स और कोई एक्स्ट्रा जानकारियां हैं
ठीक है, उनको आप लिख सकते हो। इसके बाद प्राइस बतानी है और प्राइस के साथ आपको एक शब्द लिखना, कौन सा? नेगोशिएबल। बेटा एक बार ध्यान रखना कि नेगोशिएबल जो वर्ड है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा जगह, बहुत जगह पर नेगोशिएबल का प्रयोग किया जाएगा, तो इस शब्द को ध्यान रखना आपको। इसके बाद इंटरेस्टेड पार्टी मेक कॉन्टैक्ट टू, टू के बाद में नाम, एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, देख लो एक बार। पहुंच करके कॉपी में लिख लिया करो। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे हम। जैसे आपके पास एक कार है और आप उसे क्या करना चाहते हो, बेचना चाहते हो। जैसे यू आर रोहन, यू आर रोहन शर्मा, यू वांट टू सेल योर कार, यू वांट टू सेल योर कार, ड्राफ्ट सेल योर कार, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। अखबार में पब्लिश कराने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, किसके लिए? कि आप अपनी कार को क्या करना चाहते हो, बेचना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले बेटा वही तरीका हमारा कि बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। बॉक्स में सबसे पहले क्या आएगी, हेडिंग। हेडिंग में क्या लिखेंगे, ए कार फॉर सेल, ए कार फॉर सेल। यहाँ तक कोई दिक्कत? ए कार फॉर सेल। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे बेटा अवेलेबल, अवेलेबल ए मारुति डिजायर कार फॉर सेल। यानी एक मारुति डिजायर कार अवेलेबल है, किसके लिए? बेचने के लिए, ठीक है। इन ग्रे कलर, कलर कैसा उसका? ग्रे कलर, जो आपको अच्छा लगे वो कलर लिख सकते हो। वाइट कलर है, क्रीम कलर है, ग्रे कलर है, रेड कलर है, ब्लैक कलर है, जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। ब्लैक कलर। अगली बार समझ में, बी एक्स आई, ये इसका मॉडल नेम हो गया, 2017, कौन सी ईयर में लिए, 2017, ठीक है। सिक्स एयरबैग्स, छः एयरबैग्स है, हाई फाई म्यूजिक सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम है गाड़ी में, ये फैसिलिटीज़ दिखा रहे हो आप। रनिंग कितनी चली हुई है, जैसे 80,000 किलोमीटर्स, 80,000 किलोमीटर चली हुई है। आरसी करौली राजस्थान की आरसी है। इसके बाद इंजन बेलो के न्यू टायर्स हैं, नो एक्सीडेंटल स्क्रैच, कोई भी एक्सीडेंट का स्क्रैच नहीं है, ठीक है। इसके बाद में और क्या है, फुल इंश्योरेंस है, नो फाइनेंस और कोई लोन बकाया नहीं है। ये आप क्या हो गए, इसकी डिटेल्स, कंडीशंस और सब कुछ बता दिया हमने। और कोई भी आप जानते हो कार के बारे में और कोई भाई और भी डिटेल देना चाहे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका विद इन 50 वर्ड्स, यानी नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 वर्ड से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए,
50 वर्ड्स के अंदर ही आपको लिखना है। नो फाइनेंस, कोई फाइनेंस नहीं है। इसके बाद प्राइस, जैसे 4 लाख रुपीज, ठीक है, या फिर एक शब्द लिख सकते हैं आप नेगोशिएबल। कौन सा शब्द लिखेंगे आप? नेगोशिएबल। इसके बाद इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट के बाद में आगे नीचे तो आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है तो वो नाम लिख सकते हो। नाम के बाद में आपको कॉमा लगा क्या लिखना है? आपका एड्रेस, और एड्रेस के बाद आपको क्या लिखना है? आपको मोबाइल नंबर। ये तीन चीज़ें लिख देना और बॉक्स कर देंगे हम बंद, और ये आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। कौन सा? सेल वाला। देख लो एक बार इसको अच्छे तरह से, दोबारा देख लो कि सबसे पहले हेडिंग में क्या लिखी कि हमें कार बेचनी है, तो एक कार फॉर सेल। क्या लिखेंगे? एक कार फॉर सेल। अंडरस्टैंड? यहाँ पे लिखेंगे अवेलेबल ए मारुति डिजायर कार। आपकी क्या है? मारुति डिजायर कार है, फॉर सेल। किसके लिए? बिक्री के लिए। एक इन ग्रे कलर, कलर कैसा उसका? ग्रे कलर है। BXI है, 2017 है, ठीक है। 6 एयरबैग्स है उसमें, हाई फाई म्यूजिक सिस्टम है, GPS सिस्टम लगवा रखा है। कितनी चली हुई है? 80,000 किलोमीटर चली हुई है। RC कहाँ की है उसकी? करौली राजस्थान की है। इंजन की कंडीशन कैसी है? बेलो के न्यू टायर्स हैं। नो एक्सीडेंटल स्क्रैच, कोई भी एक्सीडेंट का स्क्रैच नहीं है। फुल इंश्योरेंस है। नो फाइनेंस, और कोई भी लोन या किस्त बकाया नहीं है। इसके बाद प्राइस आपने क्या बताई? 4 लाख रुपए। और इसके सामने लिख देंगे आप नेगोशिएबल। क्या लिख देंगे? नेगोशिएबल। और इसके बाद में इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट टू, और टू के बाद में आपको क्या लिखना है? आपका खुद का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये आपका था सेल वाला एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परचेज, यानी अब आपको खरीदना है। ये तो था बेचने वाला, अब आपको क्या करना है? खरीदना है, ठीक है। तो उससे पहले आप एक बार इसको देख लो, पॉज करके उतार लो। देखिए, अगर इस एडवर्टाइजमेंट में किसी प्रकार की परेशानी, दिक्कत, प्रॉब्लम आती है आपको, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, और कमेंट कर सकते हैं। आपकी समाधान, जो समस्या होगी उसका समाधान कराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो परचेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।